हमने पहले भाग को चेक करने के लिए x को 0 और y को 2 रखना है। कहाँ रखेंगे? जो हमें समीकरण दिया गया है उस समीकरण के अंदर हमें इसे रखना है। जब हम इसको इस समीकरण के अंदर रख रहे हैं तो x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2, ये हम देख रहे हैं। अब 2 को 2 से गुना किया 4, एक साइड हमारी -4 है और दूसरी +4 है, ये संभव नहीं है। अब ये अगर संभव नहीं है यानी कि बराबर नहीं आए हैं दोनों पक्ष, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे लिए इसका हल नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो हल भी नहीं है। हमें ये चेक करना है कि जो दिया गया है वो हल है या नहीं, तो हम आंसर को इसी रूप में लिखेंगे कि वो उसका हल बनता भी है या नहीं बनता है। अब ऐसे ही हम इसका समीकरण का दूसरा भाग कर रहे हैं। दूसरे भाग के अंदर भी हमें दिया गया है बिंदु 2 और 0, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, x को हमने लिया है 2 और y को हमने लिया है 0, x को 2 और y को हमने 0 ले लिया है। जब हम ये संख्याएं ले रहे हैं, इसको हमें रखना कहाँ पर है, जो हमें समीकरण दिया गया है उस समीकरण में रखना है। समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4, हमें इसमें रख के देखना है कि संख्याएं बराबर आती हैं या नहीं आती हैं। हमने x की जगह रखा 2, y की जगह रखा 0, तो ये हो गया 2 माइनस 0 बराबर 4, यानी कि 2 जा 4 के बराबर है। अब ये भी संभव नहीं है कि जो 2 है वो 4 के बराबर हो। जब ये संभव नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हल नहीं है। कौन हल नहीं है, जो ये 2 0 बिंदु दिया गया है ये दिए हुए समीकरण का हल नहीं है। किसी और समीकरण का हो सकता है लेकिन जो हमें दिया गया है ये उस समीकरण का हल नहीं है। अब इसी तरीके से इसके बाकी बचे हुए भाग हमें करने हैं। हमें जो इसका तीसरा भाग दिया गया है उसमें है 4 और 0, यानी कि x की जगह पर 4 रखना है और y की जगह पर हमें 0 रखना है। जब हमने x की जगह पर 4 रखा तो हमारे पास आ जाता है 4 माइनस 2 वाई की जगह पर 0। अब देखिए 2 की 0 से गुना की, दोनों तरफ ही हमारा क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। दोनों तरफ हमारी बराबर आ रही हैं, इस तरफ भी 4 है उस तरफ भी 4 है। जब दोनों तरफ हमारा बराबर आ रहा है तो ये तो सत्य है, और जब सत्य है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 4 0 है वो समीकरण का हल है। जो 4 0 है वो हमारे पास जो दिया हुआ समीकरण है उसका हल है। हमें इसके हल चेक करने हैं, जो भी दिया गया है उसी को चेक करना है।